अगर आपके पास में परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान है और जानते हैं कि ये धार्मिकता है जो कि एक वरदान है, तो आप आनंदित होंगे, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर खुद की धार्मिकता पर आधारित है, देखिए ये ऐसा होता है, आधारित होता है, दिन अच्छा है तो पवित्र महसूस करेंगे, आनंदित होंगे, तो कई बार निराश होंगे, हताश हो जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा नहीं किया है, आप किसी पर चिल्लाए हैं और आपने कुछ गलत किया है, आप नीचा महसूस करते, आराधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद की धार्मिकता पर आधारित रहे हैं। When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise in thunder roar, I will soar with you above. ये नैतिकवाद जो है, ये सच में ये क्या करता है, मैं इससे सच में नफरत करता हूं। ये लोगों को परमेश्वर की ओर से आशीष पाने में रोक देता है, ये रुकावट हो जाता है। वो सोचते हैं परमेश्वर को मुझे आशीष देना ही होगा, क्योंकि मैंने उपवास किया है, मैंने इतनी प्रार्थना की है, मैंने ये सब कुछ किया है। आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैंने क्या गलत किया है, परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, कभी ऐसे कहते हुए सुना? आप हर जगह इसे सुनेंगे, मैंने क्या गलत किया। एक दिन मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि मैंने क्या गलत किया है, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। सच में वो कहते हैं परमेश्वर गलत है, वो सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, और उनके लिए कभी कुछ गलत करना संभव है ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ने गलत किया है। जानते हैं, इस तरह की मनोदशा ही गलत है, ये मनोदशा सही नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमेशा सही है, शायद मैं गलत हूं, अगर मैं गलती करूं तो वो मुझ पर अनुग्रहकारी है, और जब मैंने कुछ गलतियां की तो भी प्रभु मेरे लिए भला रहा है, जो काम मुझे नहीं करना था अगर मैंने वो भी कर दिया है तो भी परमेश्वर मुझ पर अनुग्रहकारी रहा है, उसने मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला और मेरी मदद की और मुझे समझ की बातें बताई और सब कुछ सही कर दिया। देखिए, इस तरह से होना चाहिए। जब आप इस तरह की नैतिकवाद से बाहर आ जाते हैं तो बहुत आसान होता है कि परमेश्वर की आशीषों को पाएं और परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में चलते जाएं। और जब नैतिकवाद में आते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने की बात को अपने कामों पर आधारित रखते हैं, जानते हैं, और आप सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर ने जो भले काम किए उस पर नहीं, लेकिन आप अपनी भलाई पर विश्वास करते हैं, और यही तो असफलता है, और इसी के कारण आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज इसीलिए बहुत से लोग हारे हुए हैं, दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा वो अपनी ही गिनती करते रहते हैं। आज बहुत से लोग जीवन में निराश हो चुके हैं, वो उस शांति और विजय का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए मुफ्त में प्रयोजन किया है, उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि उद्धार तो एक भेंट है, ये कमाया नहीं जा सकता है, ये तो एक भेंट है, उन्हें प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करना है। जब प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, शैतान आपको पकड़ नहीं सकता है, वो आप पर दोष नहीं लगा सकता, वो ये नहीं कह सकता कि देखो तुमने ये गलत किया है, वो गलत किया है, और तुमने ये हजार गलतियां की हैं, इस तरह से वो आपसे बातें नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ये कहेंगे हाँ मैं गलत हूं, प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है। बस यही है, यही पूरा हो गया है, इसलिए शैतान तुम निकल जाओ, मैं हर तरह से आशीषित हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे जीवन में सब सही करेगा और मैं आगे बढ़ते जाऊंगा,
परमेश्वर अपनी आशीषों को इसलिए दूर नहीं करेगा क्योंकि मैं इतना सिद्ध नहीं हूं। ठीक है, यानी विजय का ऐसा स्तर है जो मसीह विश्वासियों ने अब तक नहीं पाया है, क्योंकि वह अभी भी व्यवस्था पर मन लगाए हुए हैं और अपने कामों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। और फिर हमें यह जानना होगा कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। धार्मिकता तो परमेश्वर का वरदान है। अनुग्रह ने जो एक काम किया है वो ये है, इसने हमारे अंदर में धार्मिकता लाई है। धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ में सही तरह खड़े रहना, परमेश्वर के सामने बिना किसी दोष या हीन भावना या दंड आज्ञा के बिना खड़े रहने की योग्यता, यही धार्मिकता की परिभाषा है। परमेश्वर के सामने खड़े रहना बिना किसी दोष भावना, हीन भावना या फिर या दंड आज्ञा के। अनुग्रह ने ये किया है, अनुग्रह ने हमें इस तरह से योग्य बनाया है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके बिना किसी दोष भावना या हीन भावना और दंड आज्ञा के। ठीक है, तो आइए अभी हम कुछ वचन पढ़ते हैं इस बात के बारे में जो मैंने अभी बताया, इसे समझने के लिए। तो आइए मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पर ये कहता है कि मसीह मेरे लिए बनाया गया धार्मिकता, वो मेरी धार्मिकता है। परमेश्वर ने मसीह को लिया और उसे बनाया मेरी धार्मिकता। मेरी धार्मिकता कहाँ है? ये मेरी धार्मिकता नहीं है, लेकिन ये तो उसकी धार्मिकता है। ठीक है, अब मेरे साथ में देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी हम नई सृष्टि हैं। वचन 21 कि जो पाप से अज्ञात था उसको उसने उसे पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप बना, परमेश्वर ने उसे पाप बनाया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। यानी परमेश्वर चाहता था कि वो पाप बने कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। यानी क्रूस पर ये महान लेन देन हुई, वो पाप बना और हम धार्मिकता बन गए। हमारा नया जन्म मतलब हम फिर से बनाए गए, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है, हम धर्मी हो गए हैं। यीशु मसीह स्वयं हमारी धार्मिकता बन गया है और अनुग्रह ने ये महान काम किया है। ये तो परमेश्वर का वरदान है। आप कभी भी इस तरह की धार्मिकता नहीं पा सकते थे जिसके बारे में बाइबल बताती है। आइए मेरे साथ देखिए इफिसियों 4:24। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। पौलुस विश्वासियों से कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। अगर आप इस संदर्भ को पढ़े तो ये यहां पर कह रहा है मन और हमारे सोच विचार के बारे में। कहता है नई मानसिकता पहन लो। हाँ, ये नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के अनुसार है, ये उसके अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये नया मनुष्यत्व धर्मी और पवित्र है, ये नया मनुष्य है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि के रूप में कौन है? आप धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। आप धर्मी और पवित्र व्यक्ति हैं। उस नए मनुष्यत्व को आप पहन लो, यानी उस मानसिकता को पहन लो, उससे अपना मन को भरने दो कि अब आप ऐसे बनाए गए हैं धार्मिकता में और पवित्रता में। आप धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। अब रोमियों 10 में वापस चलते हैं। अब आप समझ पाएंगे पौलुस वचन 2 और 3 में क्या कह रहा है। वचन 3 में वो कहता है कि दो तरह की धार्मिकता है। एक परमेश्वर की धार्मिकता है, वो कहता है कि वो अनजान होकर, यानी इसराइलियों के बारे में कहता है, वो कहता है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, यानी दो धार्मिकता, एक तो परमेश्वर की धार्मिकता है और दूसरी तो उनकी अपनी धार्मिकता है। इसराइलियों की समस्या ये थी, यानी उसके खुद के लोग उनके बारे में विलाप करके उनके अविश्वास के बारे में कहता है। उनकी यही समस्या थी कि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे और इस धार्मिकता के वरदान के बारे में पूरी तरह से अनजान रहे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, कि परमेश्वर ने यीशु को हमारी धार्मिकता बनाया।
उनके मन में ये बात नहीं थी, वो बस एक ही धार्मिकता की अपेक्षा कर रहे थे। वो तो उनकी धार्मिकता थी, वो साबित करना चाहते थे कि वो अच्छे हैं। वो अपनी भलाई के आधार पर परमेश्वर के पास आना चाहते थे और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये कहता है वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में अनजान रहे और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे। वचन दो में वो कहता है क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, मतलब वो कहता है कि मैं उनके विरुद्ध में ये गवाही दे रहा हूं। मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, वो उनमें से एक था। वो हिब्रू था और वो बिन्यामिन गोत्र का था। वो फरीसियों का फरीसी और बहुत ही नैतिकवादी व्यक्ति था। स्वयं पौलुस बहुत ही ज्यादा नैतिकवादी व्यक्ति था। जानते हैं फरीसी नैतिकवादी लोग थे, वो अपनी भलाई पर आधारित रहते। जब परमेश्वर के पास आते, याद है फरीसी की वो प्रार्थना, दो लोग प्रार्थना करने के लिए आए। एक पापी था, उसने कहा मुझ पर दया कर प्रभु। उसने ऐसी प्रार्थना की क्योंकि वो पापी था। दूसरा फरीसी था, उसने प्रार्थना की परमेश्वर मैं दिन में इतनी बार प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ और मैं इसके जैसे नहीं हूँ। जानते हैं मैं इसके जैसे नहीं हूँ। इस तरह उसने प्रार्थना की, मतलब अगर आप उसकी प्रार्थना सुने तो आपको लगेगा कि बस उसे एक थप्पड़ मारे। वो परमेश्वर के सामने आकर कहता है प्रभु धन्यवाद कि मैं दूसरे के जैसे नहीं हूं। ये किस तरह का घमंड है जानते हैं? परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य जाति के जैसे नहीं हूं। धन्यवाद देता हूं, मैं दशमांश देता हूं मेरे हर एक छोटे छोटे मसाले का भी दशमांश। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने भले काम किए हैं, मैंने प्रार्थना की है, मैंने इतना उपवास किया। पता नहीं क्यों धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं, उसके पास अपनी धार्मिकता थी, प्रभु की क्या जरूरत थी। तो दूसरा कहता है प्रभु मुझ पर दया कर, मैं एक पापी हूं। इन दोनों प्रार्थना में कोई तुलना नहीं है। और पौलुस इस समूह का था, वो फरीसी था। वो फरीसी था, एक समय ऐसे प्रार्थना करता था, वो ऐसे था, बहुत ही नैतिकवादी व्यक्ति था। अब वो कहता है मैं उनकी गवाही देता हूं। वो कहता है मैं अपने यहूदी लोगों के बारे में ये गवाही दे सकता हूं, उनमें परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। सरल शब्दों में वो कहता है कि उनमें धुन है लेकिन बुद्धिमानी नहीं। हाँ, क्या विश्वासियों को धुन में देखा? मैं आपको बताऊं, मैं उन्हीं लोगों में से एक था। मैं जिस छावनी का था वहां पर लोग परमेश्वर के लिए बड़ी धुन से भरे थे। और धुन मतलब वो तो कई बार, यहां तक कि जानते हैं कुछ लोग तो दवाइयां भी नहीं लेते थे क्योंकि वो परमेश्वर की धुन में थे। हाँ, कोई दवाई नहीं। मुझे याद है मैं एक चर्च में गया था, दूसरे शहर की ये बात है, यानी अगर दवाई ली तो प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं, पहले क्षमा मांगनी है, खड़े होना है चर्च के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े रहकर कहना मैं पापी हूं क्योंकि मैंने दवाइयां ली हैं, सिर दर्द या किसी भी बात के लिए दवाइयां ली। परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, पास्टर मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु भोज दीजिए। हाँ, प्रभु का धन्यवाद कि आपने ये सब नहीं देखा है। कुछ लोगों ने ये कभी नहीं देखा और आप सच में आनंदित होंगे, लेकिन मैंने ये सब देखा है। और पौलुस नैतिकवादी व्यक्ति था, पुराने नियम के बातों के बारे में बहुत ही नैतिकवादी था। वो कहता है मैं उनकी गवाही देता हूं, मैं जानता हूं कि यहूदी कैसे हैं, वो बहुत ही जिज्ञासा से भरे हैं लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं जो कि परमेश्वर के बारे में बहुत ही धुन से भरे हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जानते हैं वो तो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और यहां तक कि वो तो मरने के लिए भी तैयार हैं, जानते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, वो सुनते नहीं हैं, उनके पास में सही शिक्षा नहीं है। जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत से लोगों को मिलेंगे जो दवाइयां न लेने के कारण स्वर्ग पहुंचे हैं। वो सोचते हैं दवाइयां शैतान से हैं, और जानते हैं जैसे वो सोचते हैं उस तरह से अस्पताल बंद कर दिए जाने चाहिए, डॉक्टर को बंदी बनाना चाहिए। अगर वो परमेश्वर से नहीं हैं, जानते हैं एक दिन स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर तूने हमें क्यों नहीं बचाया, हमें क्यों चंगाई नहीं दी। प्रभु कहेगा वहां के डॉक्टर को तुम जानते हो, उसके पास जा सकते थे। एक आदमी बाढ़ में फंस गया और मर गया, और स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से पूछता है परमेश्वर तूने क्यों नहीं बचाया, मैंने भरोसा किया। परमेश्वर कहता है मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन तूने कुछ नहीं किया। और उसने पूछा कब? देखो मैंने एक नाव भेजी थी, तुम छत पर खड़े थे और नाव वाले ने कहा कि तुम आ जाओ बैठ जाओ, और तुमने कहा नहीं प्रभु मुझे बचा लेगा। और फिर बोट चली गई और बाढ़ का पानी ऐसे बढ़ते गया,
और फिर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाव भी तुम्हारे पास में नहीं जा पाई थी, तो मैंने हेलीकॉप्टर भेजा। तुमने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर महान है, वो मुझे बचा लेगा। मैंने तो बोट और हेलीकॉप्टर भेजा था। देखो अभी तुम्हारी देखभाल की है, स्वर्ग में सुरक्षित पहुंचाया है। यानी बहुत से लोगों में धुन है लेकिन ज्ञान के अनुसार नहीं है। देखिए धुन रहना अच्छी बात है, आपको जिज्ञासा से भरे होना चाहिए। मैं जिज्ञासा पर भरोसा करता हूँ। मैं ठंडी बुद्धिमत्ता की मसीहत पसंद नहीं करता हूँ, मुझे धुन पसंद है, मैं जिज्ञासा से भरा हूँ। आपको अपनी जिज्ञासा के साथ में ज्ञान जोड़ना होगा। ज्ञान के बिना जिज्ञासा खतरनाक है, आप खुद को मार देंगे। जिज्ञासा के साथ में ज्ञान बहुत ही प्रभावी है, आप परमेश्वर के लिए प्रभावी होंगे अगर आपके पास में जिज्ञासा है और ज्ञान है। आमेन। ठीक है, यानी दो तरह की धार्मिकता, एक है खुद की धार्मिकता और दूसरी है धार्मिकता का वरदान जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है। ये दोनों एक साथ में नहीं रह सकती हैं। यानी देखिए आप इन दोनों को एक साथ एक वक्त पे नहीं रख सकते हैं। आइए अध्याय 11 वचन 6 देखते हैं। ये वचन स्पष्ट बताता है यदि वो अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। आप अनुग्रह कामों को नहीं मिला सकते। देखिए यदि ये अनुग्रह से है तो ये कर्मों से नहीं है, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर ये कामों से है तो फिर अनुग्रह से नहीं है, नहीं तो फिर काम काम नहीं रहे। ये कामों से होना या अनुग्रह से होना है, दोनों को मिला नहीं सकते। अनुग्रह और कामों को आप नहीं मिला सकते, अपनी धार्मिकता जो कि कर्मों से है और अनुग्रह को जो परमेश्वर की धार्मिकता है, दोनों को नहीं मिला सकते हैं। ये दोनों नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं। एक ले सकते हैं तो दूसरा नहीं ले सकते हैं। तो आज आप कहां पर हैं? क्या आप अनुग्रह में हैं या फिर कामों में हैं? कामों में मेहनत कर रहे हैं या फिर अनुग्रह में हैं? क्या आप खुद की धार्मिकता में हैं या आप परमेश्वर की धार्मिकता में हैं? अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में, अगर आपके पास में परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान है और जानते हैं कि ये धार्मिकता है जो कि एक वरदान है, तो आप आनंदित होंगे, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर खुद की धार्मिकता पर आधारित हैं, देखिए ये ऐसा होता है, आधारित होता है, दिन अच्छा है तो पवित्र महसूस करेंगे, आनंदित होंगे, तो कई बार निराश होंगे, हताश हो जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा नहीं किया है। आप किसी पर चिल्लाए हैं और आपने कुछ गलत किया है, आप नीचा महसूस करते, आराधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद की धार्मिकता पर आधारित रहे हैं। तो हमें खुद को देखना है और इस बात का निर्णय लेना है कि क्या हम लोग खुद की धार्मिकता से जी रहे हैं या परमेश्वर की धार्मिकता से। अब यहां कुछ स्पष्टता लाना चाहता हूं, इसलिए यहां पर कुछ पल के लिए हम रुकेंगे, कुछ बातों को बहुत ही स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि हम कामों के बारे में कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास हमारे भले कामों के आधार पर नहीं आते हैं। हमारी भलाई हमारे भले कामों पर, हम परमेश्वर के पास आते हैं उसकी भलाई पर, कलवरी के क्रूस पर उसके काम के आधार पर, और यही मायने रखता है। स्वर्ग केवल उसी का आदर करता है। जानते हैं जब आप परमेश्वर के पास आते हैं उसकी कृपा के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी आशीष के लिए, उद्धार, चंगाई या किसी भी बात को जो परमेश्वर हमें वरदान के रूप में देता है, जो परमेश्वर देता है उसे पाने के लिए जब आप आते हैं, आप अपने कामों से नहीं लेकिन उसके कामों के आधार पर आते हैं जो कलवरी के क्रूस पर हुआ। हम यही कह रहे हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं तो वो सोचेंगे उनके काम मायने नहीं रखते हैं और वो जी सकते हैं जैसे चाहे वैसे संसार में जी सकते हैं, क्योंकि काम मायने नहीं रखते, मेरे काम मायने नहीं रखते हैं, वो मुझ पर अनुग्रह करता है, ये मेरे कामों पर आधारित नहीं, उसकी आशीष मुझ पर उंडेली गई, उसके काम पर आधारित है, उसकी भलाई पर आधारित है, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे मैं जी सकता हूँ, ऐसे वो सोचते हैं। तो मैं स्पष्टता से बता दूं ताकि इस तरह की मूर्खता कभी ना हो। और मैं आपको ये बता दूं कि निश्चय इससे आपको लाभ होता है धार्मिकता और पवित्रता में जीवन जीने के द्वारा। खुद की धार्मिकता और पवित्र जीवन के लाभ मैं आपको बताऊं। आपकी पवित्रता के जो काम हैं जो इस संसार में हैं, ये आपके लिए एक तरह से लाभदायी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आपके धार्मिकता के कामों पर स्वीकार नहीं करता है। हम यही कह रहे हैं, आपकी क्रियाओं का कोई संबंध नहीं उसके अनुग्रह से, उसकी दया से कोई संबंध नहीं है। यह ऐसा था जिसके लिए हम अयोग्य थे और हम इससे नहीं कमा सकते थे, लेकिन आपको धार्मिकता और भलाई का जीवन बनाए रखना जरूरी है। अच्छे कामों को व्यक्तिगत रूप में करना है जब दूसरे लोगों के साथ के संबंध की बात आती है, ठीक है,
हाँ, अगर आप भले व्यक्ति नहीं हैं, आप धर्मी व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप सही व्यक्ति नहीं हैं, तो कौन आपसे संबंध रखेगा? कहिए, कहिए कि आप अजीब व्यवहार करें, कहिए कि आप लोगों से पैसा उधार लें और फिर उन्हें कभी पैसा न चुकाएं, या कहिए कि आप कुछ वादा करते हैं और उसके अनुसार नहीं करते हैं। आप आधारित रहने वाले व्यक्ति नहीं, अच्छे व्यक्ति नहीं, दयालु व्यक्ति नहीं। आप हमेशा लोगों से लड़ते रहते हैं, जबरदस्ती लड़ते हैं, यानी इस तरह के व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊं, आपका जीवन बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप एक अच्छा, खुद की धार्मिकता का जीवन न रखें, पवित्रता और भलाई का जीवन न रखें। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो इससे निश्चय आपको लाभ मिलेगा। चलिए उदाहरण के लिए, आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके मालिक ने आपको नौकरी दी, आप दफ्तर में जाते हैं। वो ये नहीं कहते, देखो मैं अनुग्रह का व्यक्ति हूँ, मुझे परवाह नहीं, तुम काम पर आओ या ना आओ, चाहे 9 बजे आओ या फिर 11 बजे आओ, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। जानता हूँ तुम्हारे 4 बच्चे हैं, किराया चुकाना है, भोजन खरीदना है, फीस चुकानी है, चाहे तुम कुछ काम करो या ना करो, मैं तुम्हें तनख्वाह देते रहूँगा। चाहे तुम कंपनी के लिए लाभदायी हो या ना हो, फिर भी मैं तुम्हें तनख्वाह देते रहूँगा, क्योंकि मैं दयालु, अनुग्रहकारी, कृपालु व्यक्ति हूँ। ऐसे किसी को जानते हैं, इस तरह के व्यक्ति को? क्या ऐसे किसी मालिक को आप जानते हैं? नहीं। जब आप किसी जगह पर काम करते हैं, आपके काम, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप खुश होंगे और आपके बॉस खुश होंगे और आपका परिवार खुश रहेगा, आपको अपनी तनख्वाह मिलेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट मिलेगा सही समय पर, और आपको सफलता मिलती चली जाएगी केवल जब आप अच्छे से काम करते जाएंगे। काम करना आप नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो जब काम पर जाते हैं तो क्या करते हैं? ईमानदारी से करते हैं, बड़ी मेहनत करते जाते हैं। आप सही समय पर आते हैं, जब कहता है 9 बजे तो आप वहाँ पर 9:45 बजे ही पहुँच जाते हैं, और जब आप दफ्तर में होते हैं तो सेलफोन पर 1 घंटा बातें नहीं करते अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है? इन सब की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपने सेल्स में अपना टारगेट पूरा किया है, और जिस तरह वो चाहते हैं कि आपने उस तरह से मार्केटिंग की है, क्या आपने टारगेट हासिल किया है, वो आपके परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो आपको निकाल देंगे, किसी कारण से आपको निकाल देंगे, और दूसरे को रख देंगे, और आप सड़कों पर आकर चिल्लाते रहेंगे, अनुग्रह, अनुग्रह, अरे मुझ पर कुछ अनुग्रह करो। जानते हैं, उन्हें अनुग्रह के बारे में कुछ पता नहीं। जानते हैं, अगर जीवन में सफलता से जीना है तो आपको समझना होगा कि आपको अच्छे व्यक्ति जैसे रहना है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, कृपया इसे समझ लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे कि कहिए कि अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई करनी है कि आप पास हो सके, आप बस ऐसे ग्रेस मार्क्स से पास नहीं हो सकते। ग्रेस मार्क्स के बारे में मैंने सुना, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको 34 मिले हैं तो वो आपको 1 मार्क दे सकते हैं, आप पर थोड़ा अनुग्रह कर सकते हैं कि आपको अगले स्तर पर लेकर जाएं, लेकिन अगर केवल 3 मार्क मिले हैं तो क्या वो आपको आगे भेज देंगे, 32 मार्क आपको दे देंगे? नहीं, आपके जो शिक्षक हैं वो इस तरह के अनुग्रह को नहीं समझते हैं। स्कूल तो परफॉर्मेंस के बारे में है। आप मिडनाइट लैंप लगाते हैं, आप जागे रहते हैं, कुछ चाय पीते हैं, और दिन रात आप पढ़ाई करते रहते हैं, कई बार आप मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। स्कूल में अनुग्रह से आपको मार्क्स नहीं देते हैं, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार वो आपको मार्क्स देते हैं। क्या आप समझ गए हैं? मैं जानता हूं कुछ बच्चे कहेंगे कि आज आपने पास्टर को सुना है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, टीचर को भूल जाइए। अनुग्रह से ही सब कुछ काम करने लगेगा। नहीं, आपके काम महत्वपूर्ण है, आपके काम जरूरी हैं, आपकी कोशिश करना महत्वपूर्ण है, वहां रहकर पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संसार में बाकी कोई कुछ नहीं समझता। Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, and he lives forever.
Direction over.